أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة الله يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل الحزن سهلا وأنت تجعل الهزنا إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما آپ لوگ سب کا 12 وفهم القرآن میں استقبال کرتی ہوں उम्मीद है कि आप लोग सब सेहत से होंगे और ये क़ुरान के क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में कल हम लोगों ने आयत नंबर 87 तक अपने आ, हम लोगों ने कंप्लीट किया था आज हम लोग आयत नंबर 88 से हम स्टार्ट करेंगे सूर्य ना की बसमी फ़िलमोन फ़ीआनी

तो अब यहाँ पर हम मुनाफिकीन का ज़िक्र देखेंगे इस आयत में यहाँ से स्टार्ट होगा और अलग अलग अकसाम के जो है अल्लाह ताला यहाँ पर मुनाफिकीन का जिक्र कर रहे हैं तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था तमाम जो है कुछ मुनाफिकीन की सिफ़ात हम लोगों ने देखे थे अहले किताब का जिक्र था अल्लाह ताला ने बताया कि शिरक एक ऐसा गुना है जो माफ़ नहीं होगा और फिर तमाम फ़ैसले के बातों में हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ पलटना है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, के मुताबिक जो है अपने तमाम मामलों के फ़ैसले हमको करना है और आखिरी में हम लोगों ने सलाम की आ, जो है कुछ फजीलत हदीस देखकर हम लोगों ने ख़त्म किया था अब यहाँ पर फिर से जो है मुनाफिन की बात आ, आ रही जैसा सुर नसा के इब्तः में हम देखे थे कि बहुत कसरत से ये सुरय में हम मुनाफि का जिक्र देखेंगे तो अब जहाँ पर मुनाफि का जिक्र है तो वहाँ पर इताते रसूल का भी जिक्र जो है आते जाएंगा और ये हमको नहीं समझना है कि हाँ चलो ये मुनाफिकीन के बारे में है तो लिहाजा हम, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि हम ये आईने में अपने आप को चेक करें कि कहीं ऐसी कोई सिफत हमारे अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि कल हम देखे कुछ चीजें कि वो लोग झूठी खबरें जो है बग़ैर तहकीक के फैलाते हैं झूठी खस्में खाते हैं कुरान के अंदर गौर और फ़िक्र नहीं करते और जो है जान और माल की जो है सैक्रिफाइस नहीं करते और जिहाद में जो है पीछे रहते हैं तो ये तमाम चीज़ें कल हम ने देखी थी तो अब ये देखिए कि ये सिफात हमारे अंदर भी जो है कुछ हो सकती है तो हम अपने आप को जो है बार बार चेक करना ज़रूरी है तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के दरमियान दो राय पाई जाती हैं हालांकि जो जो बुराइयाँ उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है तो अब कि कुछ लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेते मुनाफिक बोलते ही किसको की इस्लाम के अंदर आ जाना पर दिल के दिल में जो है ईमान दाखिल नहीं होना सिर्फ जबार से जो है कलमे का इजहार करना या इस्लाम का इजहार करना ठीक है तो अब जब उन लोग इस्लाम का इजहार करके दीन में आ गए पर पूरी रविश उनकी कैसी थी इस्लाम के खिलाफ रविश थी तो इसके उसमें जो है इख्तलाफ होना शुरू हो गया आपस में क्योंकि जाहरी तौर पे तो नाम तो मुसलमान का है पर अमल पूरे इस्लाम के खिलाफ जा रहे तो आ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कन्फ्यूजन जो है फैला हुआ था कि ये लोग आया मुसलमान हैं भी या नहीं है क्योंकि अमल बिल्कुल उनका बरक्स बता रहे आज भी देखिए कि, कि कई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम का नाम तो रखे हुए हैं मुसलमान है मुसलमान नाम रखे हुए पर अगर उनकी बातें सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है समझ में आ जाएगा कि और और इस्लाम और के खिलाफ जो है उनकी ज़बाने चलती हैं। तो हमको जो है समझ में नहीं आता तो तरीके से जो है कन्फ्यूजन वो जमाने में भी पाया जाता था तो अल्लाह बोल रहे कि देखो अमल से जो है समझ में आ जाता उनके अमल की बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी उसे तुम हिदायत बख्श बख्श दो दो हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते अब उसमें कुछ लोग जो है रिश्तेदार भी थे कुछ अपने जो है करीबी दोस्त थे तो ऐसे लोग भी के अंदर भी जो है मुनाफिकत की सिफत थी तो जो मुखल साहबा थे उनको तकलीफ़ होती थी तो अल्लाह ताला बोल रहे कि उनको आप हिदायत नहीं दे सकते वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं उसी तरह तुमको भी काफिर आ, कर दे ताकि तुम और सब एक सा हो जाओ लिहाजा उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ ताकि वो अल्लाह के एक ताकि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आए तो अब अल्लाह ताला तहाँ पर बता रहे कि तुम्हारा अब यहाँ पर आ, कैसा पहचानेंगे कि कौन मुनाफिक है और कौन मुसलमान है तो उसकी क्या शर्त रखी गई कि उनको हिजरत करना है अब देखिए कि जैसा जैसा इस्लाम जो है फैलते जा रहा था तो दूर दूर अलग अलग ख़ितों में जो है लोग मुसलमान हो रहे थे यानी कि अलग अलग जो है सिटीज़ में अलग अलग कबाइल में जो है लोग मुसलमान हो रहे थे पर वो लोग वहाँ पर वो ज़माने में कंडीशन ये थी कि जो भी मुसलमान हैं और जिस कोने में भी है उसको हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना था क्योंकि वहां पर अभी इस्लामिक स्टेट जो है फॉर्म हो रहा था और वहां पर तदाद की जरूरत थी क्योंकि कभी भी जिहाद के जिहाद के जो है कॉल कॉल्स आ रहे थे तो जैसे जो है जिहाद के टाइम पे फिर जब मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर जो मुसलमान दूर दूर हैं तो वो लोग फौरी से ज्वाइन नहीं हो सकते तो जरूरत के टाइम पे जो है अल्लाह आप सल असल्ल हुक्म दे दिए थे कि हर कोई हिजरत करके आना है पर कुछ लोग हिजरत करके नहीं आ रहे तो अल्लाह ताला बता रहे कि हिजरत जो है एक्चुअली क्राइटेरिया है तुम्हारे ईमान को प्रूफ करने का और अगर वो हिजरत से बाज हो तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कतल करो यानी कि वो भी जो है फिर तुम्हारे यानी कि काफिर ही की तरह तुम्हारा जो है उनको कंसिडर करना है और जंग के मैदान में अगर वो तुम्हारे खिलाफ आए तो उनको पकड़ो और कत्ल करो अब देखिए कि ये हुक्म जो है जरा समझने की जरूरत है कि जहां पर जो है पाओ कतल करो का मतलब ये नहीं है कि रस्ते पे चलते चलते जो है किसी को भी पकड़ के कतल कर दे बल्कि इसका मतलब ये है कि जब जिहाद में वो तुम्हारे खिलाफ आए तो फिर उनको पकड़ के जो है फिर तुमको जो है कतल करना तुम्हारे लिए जायज होगा और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ वो मुनाफिक है।, है जो किसी ऐसी से जा मिले जिसके साथ तुम्हारा हो यानी अगर जो है तुम्हारी मुहिदा का मतलब क्या है आ, वो जमाने में जो है कबीलों के दरमियान जो है एग्रीमेंट होते थे यानी कि फ्रेंडशिप जो है रिलेशन उनके दरमियान होते थे कि उन्होंने ये बोलते थे कि ना हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे ना तुम्हारे हमको नुकसान पहुंचाना तो ऐसा जिसके साथ जो है एग्रीमेंट हुआ हुआ है और वैसी खौम से कोई तो को वैसे मुनाफिक भी मुस्तना है एक्सेप्शन है जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता है यानी कि उन्होंने तुम्हारे से लड़ना नहीं चाहते ना तुमसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से लड़ना चाहते है खौम लड़ना चाहते। जो कौम से उन्होंने बिलोंग करते दोनों से भी अमन में रहना चाहते है अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसलत कर देता वो भी तुमसे लड़ तुमसे लड़ते तो लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाए और लड़ने से बाज रहे और तुम्हारी तरफ सुलह और आस्ती का आ, आ, जो सुलह व आशती का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर दस दराजी की कोई सबी कोई रास्ता नहीं रखा है तो अब ये जो है इस्लाम की ब्यूटी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर उन्होंने जो है जबान से ईमान ला रहे नहीं ला रहे जो भी है अगर उन्होंने जो है तो बता दिए कि हम माँ को तुमसे नहीं लड़ने का है और हमको उनसे भी नहीं लड़ने का है तो लिहाजा उनके ऊपर फिर तुम जो है हाथ नहीं उठा सकते एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें अब पहली देखिए अब यहाँ पर कितने किस्म होगी पहली कस्म यह था कि जो है मुनाफि है पर हिजरत नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला बोल रहे कि उनको दुश्मन कंसिडर करना है दूसरा मुनाफि है पर जो है तुम्हारे अहद यानी कि जिससे तुम्हारा अहद है वो कौम से बिलोंग करते तो तुम उनको हाथ नहीं लगा सकते तीसरा वो मुनाफिक जो तुम्हारे से अमन में रहना चाह रहे और उनसे भी अमन में रहना चाह रहे तुम्हारे जो दुश्मन है तो फिर तुम उनको भी हाथ मत लगाओ और चौथे मुनाफिक वो है जो तुम्हारे से भी अमन और उनसे भी अमन में रहना चाह रहे पर अगर उनको मौका मिले तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाने का तो उन्हों बिल्कुल भी उसमें पीछे नहीं हटेंगे तो अगर ऐसे किस्म के लोग हैं तो फिर उन्हों अगर पहल कर रहे ऐसी गद्दारी के लिए तो फिर तुम भी जो है ऐसे गद्दारों को सजा दे सकते तो वही बात यहाँ पर आ रही देखिए के जो है तुम तुमसे भी अमन में रहे और उनसे भी मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे इसमें कूद पड़ेंगे ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज ना रहे और सलाह व सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें तो जहां मिले उन्हें पकड़ो और मारो और जो है और इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है छूट है तो जंग के मैदान में अगर वो मिले तो फिर तुम उनको मार सकते हो किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कतल करे इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए अब यहाँ पर जो है दूसरा अहकाम आ रहा और वो अहकाम ये है कि जो है कतल के खतल के रिलेटेड जो है अहकाम जो है अपन देखेंगे तो क्या है कि मोमिन एक दूसरे को जो है कतल नहीं कर सकता अला ये कि उससे चूक हो जाए यानी कि खतल खता अगर हो जाए खतल अमद नहीं है हैतल अमद का मतलब जानबूझकर और ख़तिल ख़ता का मतलब जो है अनजाने में अगर जो है उससे कतल हो जाए जैसा एक्सीडेंट हो गया या फिर जो है कोई और जानवर को तीर शिकार के टाइम पर तीर छोड़ा था और वो जाकर कोई इंसान को लगा और वह तीर की वजह से उस उन्हें मर गया तो ऐसे टाइम पे या जो है जंग के मैदान में एक मरतबा ऐसा हुआ था कि हुजैफा बिन यमान यमानजा तला के जो अबू थे उनको जो है कोई मुसलम किसी मुसलमान ने आ, काफिर समझ कर उनको सा, वो सहाबी को कतल कर दिए तो ऐसा जब होंगे तो अल्लाह तला के, के चूक हो जाए पर अगर ऐसा हो गया तो ये नहीं कि हो गया बल्कि नहीं बल्कि अगर हो जाए तो जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कतल कर दे तो उसका कफ्ारा ये है यानी कि उसकी तोबा करना जरूरी है कफ़ारे का मतलब क्या है ये तोबा की वो शक्ल देखिए तौबा की अलग अलग शक्ल है एक तो तौबा ये है कि तौबा कर लो माफी मांग लो और जो है वो गुनाह को छोड़ दो अल्लाह ताला कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो माफ कर देते अल्लाह ताला पर कुछ गुनाह सेकंड कैटेगरी वो है जो लोगों के हकूक की रहती जिसमें तौबा करना है और हक भी लौटाना है चोरी करके तौबा कर लिए तो नहीं चलता ये दूसरी कस्म है और तीसरी कस्म जो है तौबा की यह है कि जिसमें कफ़ारा लगता है यानी कि तौबा तो करना ही करना है साथ में पेनाल्टी भी देना पड़ेगा कफ़ारा का मतलब क्या है पेनाल्टी को कहते हैं तो साथ में जो है तुमको पेनाल्टी भी पे करनी पड़ेगी तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये छोटी गुनाह नहीं बल्कि बड़ा गुनाह है जिसकी जो है तोबा ये है कि कफारा ये है कि एक मोमिन गुलाम को आजाद करना है यानी कि एक जान के बदले दूसरी जान को आजाद करेंगे और फिर क्या है मक्तूल के वारिसों को खून बहा देंगे यानी कि प्लस मक्तूल के वारिसों को जो है एक अल्लाह के हुजूर तौबा करेंगे और लोगों के साथ जो है वारिस को ब्लड मनी देंगे अल्लाह ये कि जो खून बहा माफ़ कर दे यानी कि अगर सामने वाला खून बहा माफ़ कर दिया तो फिर तुम्हारे को जो है देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर वो मुस, मुसलमान मखतूल किसी ऐसी कौम से था जिसका जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो तो इसका गुफ्ारा ये है कि एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना है यानी कि सेकेंड केस क्या है कि अगर वो दुश्मन कौम से बिलोंग करता था और उसका कतल हो गया जो मुसलमान है तो उसका गुफ्फ़ारा सिर्फ़ मोमिन गुलाम आज़ाद करना है अब यहाँ पर ब्लड मनी नहीं देना है यानी कि अल्लाह तला यहाँ पर दुश्मनों को ब्लड मनी दे के उनको और स्ट्रांग करने का नहीं है बल्कि बस तुम तोबा करने के लिए कफारा ये यह है कि गुलाम आजाद कर लो अच्छा फिर उसके बाद और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम आ, मुस्लिम कौम का था फर्द था जिससे तुम्हारा हो तो उसके वारिसों को खून बहा दिया, दिया जाएगा और एक मोमिन आजाद किया जाएगा सेम वही जो है जो फर्स्ट केस में था तो उसको भी जो है खून बहा अदा करेंगे अच्छा पर अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज ये है कि खून बहा जो है स्टैंडर्ड इस्लाम का खून बहा नहीं रहेंगे जिसमें सौ ऊंट की मकदार रकम बल्कि वो जो जिससे मुआदा हुआ था जिससे एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट के टाइम पे जो खून बहा दोनों बिल के डिसाइड करे थे एक दूसरे के लिए वो खून बहा यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है अच्छा अब अब देखिए कि हाँ ये है कि इसमें इतनी बड़ी जो है सजा अल्लाह ताला पेनाल्टी क्यों रखे हुए हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जो है माल और इज्जत और जो है उसकी जान हराम है एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की माल इज्जत और जान जो है हराम है तो जब मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो वह अमन में आ जाता है और उसकी जान माल और इज्जत जो है महफूज हो जाती है दूसरा मुसलमान का फर्ज है कि अब उसकी जो है वो प्रोटेक्शन करे ना कि जो है उसके अंदर वो कमी करने वाला बन जाए तो इतनी बड़ी जो है अब आजकल देखिए कि बहुत आसान हो गया हुआ है ना खून एक दूसरे का गला काट देना थोड़े से चंद पैसों की वजह से और बास तो जो है माएं पेट ही पेट में ही जो है बच्चे को जो है ख़त्म कर देती है तो ये भी जो है कतल में ही आएगा और इसके भी जो है ये कफवारा है और फिर क्या है कि आ, जो है अल्लाह तला यहाँ पर इवन इसमें भी गुंजाइश नहीं है कि अगर पेट में जो बच्चा है वो माजूर है और डॉक्टर बोले कि नहीं नहीं बिल्कुल माजूर है अगर पैदा भी होंगे तो फिर उसके हाथ पैर नहीं रहेंगे जो भी है तो भी हमको जो है इजाजत इस्लाम में नहीं है क्योंकि जान तो जान है उसके अंदर जब तक जान है तो चाहे माजूर हो उसको भी जो है कतल नहीं कर सकते फिर जो गुलाम ना पाए वो पे दर पे अल्टरनेटिव केस क्या है पैदर पे पै दो महीने के रोजे रखे यानी कि कॉन्सिकटिव और उसमें जो है एक भी नागा नहीं होना है अगर नागा हुआ तो फिर से शुरू और इस गुनाह पर अल्लाह ताला से तौबा कर करने का तरीका है और ये अल्लाह ताला से तोबा करने का तरीका और अल्लाह ताला अलीम और दाना है अब देखिए कि यहां पर क्या है गलती से सजा हो गलती से खतल हो गया तो क्या है एक गुलाम आजाद करना है और फिर जो है खून बहा देना है या फिर जो है वो नहीं मिला तो पैदल पर रोजे रखना है तो आप इमेजिन करिए कि जो जान बूझ कर कतल करते हैं उनका क्या हाल होगा हाँ अब यहाँ पर उनका हाल अल्लाह ताला खुद बता रहे रहा वो शख्स जिस जो किसी मोमिन मु, को जान बूझ कर कतल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा सिर्फ जहन्नुम सजा नहीं है बल्कि मजीद अल्लाह ताला ऐड कर रहे हैं इस पर अल्लाह का गजब है अल्लाह ताला का गुस्सा है उसके ऊपर और उसके ऊपर अल्लाह तला की लानत है और उसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है यानी कि जहनम की सजा के साथ अल्लाह का गुस्सा अल्लाह तला की लानत और अल्लाह तला यानी कि इतना गजब ना कि देखेंगे भी नहीं उनकी तरफ और सख्त अजाब में जो है उनको मुबतला किया जाएगा ए लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त और दुश्मन में तमीज करो यानी कि ऐसी गलती करो ही नहीं कि तुम मोमिन को जो है गलती से कतल कर दे रहे ऐसा कैसा कर सकते तुम पहले तमीज़ करना सीखो और देखो पहले अच्छे से जान कर लो और फिर जो है जो तुम्हारी तरफ सलाम से तकदीम करे तो उसे फौरन ना कह दो कि तुम मोमिन नहीं हो तो सलाम क्या है पासवर्ड है इस्लाम का तो अगर सलाम करा तो इसका मतलब यह है कि उसको तुमको सलामती देना है उसको तुम्हारा अमन देना है अब हो सकता है कि भाई जैसा एक केस ऐसा आया था कुछ जो है वो जमाने में कि कुछ लोग ये कर रहे थे कि जब जंग के मैदान में रहते थे जब देख रहे कि बिल्कुल जो है मुसलमान की जद में आ गए तलवार के अंडर आ गए तो फिर उन्होंने असलामिक बोलते थे और बोलते थे मैं ईमान ला लिया तो अल्लाह तला यहाँ पर बोल रहे कि अगर उन्होंने ऐसा बोले हालांकि बचने के लिए भी बोले हैं तो तुम फिर भी कंसिडर करना है तुमको जैसा एक हदीस में आता है कि एक साहबी को जो है एक शख्स ने कहा जंग के मैदान में कि अस्सलाम वालेकुम और जो है उन, उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ तो जो है वो साहबी फिर भी उसकी गर्दन उड़ा उड़ा दिए और फिर उसके बाद जो है उनको बेचैनी रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों कहा क्यों किया तो उ, 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 उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल वो शायद मरने के डर से जो है उसने कलमा पढ़ लिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा कि किस वजह से पढ़ा था तो बस उन्हें कलमा पढ़ लिया या सलाम कर लिया तो फिर तुम्हारा काम नहीं है कि जबरदस्ती उसका जो है तुम आ, उसकी जान लेने पर दरबह हो जाओ और फिर क्या है कि इससे क्या समझ में आता कि कलमा और ये सलाम ऐसी चीज़ों की कितनी ज्यादा इस्लाम में वैल्यू है और दूसरा ये भी समझ में आता कि इस्लाम में जो है कितनी बड़ी वसत है कितना यानी कि ब्रॉड माइंडेडनेस है कि अल्लाह बोल रहे कि उनको भी जो है यानी कि या, मौका दो अगर उन्होंने जो है इस कलमा पढ़ लें और अगर तुम दुनियावी फायदा चाहते हो यानी कि उनका माले गनीमत लेना चाहते हो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से अम्वाले गनीमत है आखिर इसी हालत में तो तुम खुद भी पहले जो है मुब्तला हो चुके हो यानी कि तुम खुद भी जो है क्या पैदाइशी मुसलमान थे तुम भी तो ईमान लेकर आए नबी करीम सलम पर फिर क्यों उन दूसरों को क्यों मौका नहीं दे रहे हो तो अब इससे अल्लाह तला की रहमत देखिए अंदाजा होता है कि कितनी रहमत वसी है कि अल्लाह तला बोल रहे कि अगर डर के भी उन्हें कलमा पढ़ ले रहा तो उसको भी कबूल करो मौका दो हो सकता कि ये तुम्हारा मौका देने से उसके जो है दिल में एहसास हो जाए और वो जो है अल्लाह ताला पर सच में ईमान लेकर आए फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया लिहाजा ले, तहकी तेखी, से काम लो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है मुसलमानों में से जो वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह में जान व माल से जिहाद करते हैं दोनों की हैसियत एक नहीं है तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला तला बुर दोनों इक्वल नहीं है अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जान व माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है यानी कि जो इस्लाम में जो मोमिन स्ट्रगल करता है इस्लाम के खातिर तो उसको डेफिनेटली जो है बड़ा अजर है तो अब देखिए कि इसका अब यहाँ पर एक बात इससे भी समझ में आती है कि जैसा हम जो है इवन हमारे इबादतों में देखेंगे नमाज है रोजा है ये तमाम चीजों में तो बाज़ वक़्त हम कोई माजूरी की वजह से जो है नमाज बैठ कर पढ़ते हैं माजूरी की वजह से जो है रोजे नहीं रह सकते या रोजा जो है छोड़ दे छोड़ देते हैं तो अब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है रोजा रहने वालों की बनस्बत वो कमी हो रही है इसका यह मतलब नहीं कि बराबर अजर मिलेगा तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जवानी की ख़दर करना है हमको जब जवान है तो खूब कसरत से इबादत कर, इबादतें कर लेना है बुढ़ापे के लिए जो है इबादतों को बचा के नहीं रखना है क्योंकि वहां पर कमी हो जाती और फिर बैठ कर पढ़ना पड़ता है या फिर जो है रोजों को छोड़ देना पड़ता है या कोई इबादतों में जो है हम नहीं कर सकते जैसे जवान करते हैं तो वो जवानी जो हम जो है दुनिया कमाने में लगा देते हैं और बुढ़ापे के लिए जो है इबादतों को रख देते हैं और फिर बाद में इबादतें करके ये नहीं सोचना है कि हाँ हमको क्यों कम कम मिले अब हम जो हमारे को ये बीमारी है बुढ़ापा है तो क्या हम खुद से लेकर लेकर आ लिए तो हाँ उसमें कमी होगी डेफिनेटली होगी आपके सबर का अजर वो अलग से मिलेगा पर इबादत में तो कमी है तो इसके वजह इसकी इसके लिए जो है ये सोल्यूशन है कि जो वक्त और जो सेहत अल्लाह तला दिए हुए उसकी कदर करना है हमको अल्लाह ने बैठने वालों की बनस्बत जान व माल से जिहाद करने वालों को दर्जा बढ़ा रखा है अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भला ही भला ही का वादा फरमाया है यानी कि दोनों के लिए भलाई है पर ज्यादा तो डेफिनेटली जो स्ट्रगल करेंगे तो उनको ज्यादा मिलेगा अगर उसके यहां मुजाहिदों की खिदमात का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज्यादा है उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मकफिरत और रहमत है और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं तो जो लोग जो है यानी कि हिजरत नहीं करके अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे उनकी रूहे जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे तो अब यहाँ पर जो है जो हिजरत नहीं कर रहे थे तो फरिश्ते रूह कब्ज़ करते पूछेंगे तो उन्होंने ये जवाब देंगे फरिश्तों ने कहा क्या खुदा की ज़मीन वसी ना थी यानी कि तुम ये जो बहाना ले ले के बैठे आ है हम मजबूर थे हम नहीं कर सकते थे क्या करेंगे तो ये यहां पर जो है, जो जो है झूठा बहाना करेंगे तो फरिश्ते जो है बोलेंगे अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी तुम दूसरी जगह हिजरत करना था तुम उसमें हिजरत करते ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है यानी कि ऐसे झूठे बहाने करके जो जो है दीन से पीछे रहते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि के लिए जो है जहानुम उनके लिए जो है ठिकाना है यानी कि जमीन वसी का मतलब यह है कि जमीन बहुत ज्यादा जो है खुली थी अल्लाह ताला की दूसरी जगह जाकर जो है हम दीन के ऊपर अमल कर कर, सकते थे यानी कि जब दीन के लिए हम हमारे कोई को जगह पर रोका जा रहा है तो हमारे लिए हुक्म यह है कि हम दूसरी जगह जो है वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाए और जहां पर हम दीन के ऊपर अमल कर सकते हैं वहां पर जो है हमारे चले जाना है अच्छा अब हिजरत का मतलब क्या है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना दीन के लिए लिए इसको हिजरत कहेंगे अल्लाह की रजा के लिए इसको हिजरत करेंगे यानी कि यहाँ से कोई जाके अमेरिका सेटल हो गया तो उसको नहीं बोलेंगे बल्कि दीन के लिए जो इस तरीके से दारुल जो है दार से दारुल ईमान की तरफ जाता है तो उसको जो है हिजरत बोलेंगे और जो है ये क्या है आप सल असम के जमाने की बड़ी हिजरत है पर उसके अलावा भी जो है हमारे लिए भी एक हिजरत है और वो ये है कि आप सल्ला ने फरमाया कि जो शख्स जो है अपनी अल्लाह तला की रजा हासिल करने के लिए अपने बुरे आदतों को छोड़ कर अच्छी आदतें अपनाता है ये भी उसकी हिजरत है यानी कि उसको भी जो है हिजरत की तरह अजर मिलेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कौन सी हिजरत अफजल है तो आप ने फरमाया कि हराम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह की नाफरमानी की चीजों को छोड़कर हलाल चीज की तरफ बढ़ना भी अफजल हिजरत है तो हम जो है अगर वो हिजरत नहीं कर रहे तो कम से कम हम ये हिजरत तो कर सकते ना कि अपने जो है तमाम बुरे आदतें और हराम की जो यानी कि जितने भी हराम के जो गुनाह है यानी कि कबीरा गुनाह है उसको छोड़ेंगे अल्लाह के खातिर तो ये हमारी हिजरत है जहाँ हाँ जो मर्द और औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और निकलने की कोई रास्ता और जरिया नहीं पाते बैद नहीं के अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर करने वाला है तब यहाँ पर अल्लाह ताला उनके लिए माफ़ी के बारे में बता रहे जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर बसर अवात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले फिर रास्ते ही में उसे मौत आ जाए उसका अजर अल्लाह के जिम्मे वाजिब हो गया अल्लाह बहुत बख्शिश फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है तो अब यहाँ पर हिजरत कर नीयत अल्लाह तला की तरफ से निकलने की थी और रस्ते में इंतकाल हो गया अभी, अभी अल्लाह आप के जो है पास नहीं पहुंचा और आप सल अलाम का चेहरा नहीं देखा आपके ऊपर ईमान अभी नहीं लाया पर नीयत क्या थी पहुंचने की थी तो अल्लाह तला बोल रहे की ऐसे लोगों का जो है यानी कि उसका हिजरत भी कंसिडर की जाएगी उसका ईमान भी कंसिडर किया जाएगा और फिर अल्लाह ती अब यहाँ पर देखिए कि हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर फिर से कुछ अहकाम हम जो है देखेंगे इनशाला आयत नंबर वन नॉट वन वन से वन फोटी सेवन तक हमारा फोर्थ पार्ट चले चलेगा जिसमें बहुत सारे अहकाम रहेंगे और हमको जो है मुसलमानों को अखलाकियात भी सिखाई गई हैं क्योंकि जब दीन फैलाना है तो अखलाक का दामन थामना ज़रूरी है अखलाक़ियात होंगे तो लोग जो है इस्लाम की तरफ जो है यानि कि आपको ज़बान से दावत देने की ज़रूरत नहीं है आपके अखलाक ख़ुद दावत देंगे और इसमें कसरत से इतबा रसूल यानी कि रसूल की जो है अहकाम भी हमको जो है मिलेंगे और साथ में जो है कुछ मुनाफिक और अहले किताब का भी जिक्र हम देखेंगे अच्छा अब यहाँ पर जो है ये में, और जब तुम लोग सफर के लिए निकलो तो कोई मुजायका नहीं है कि अगर नमाज में अख्तसार कर लो अब यहाँ पर हुक्म दिया गया है खसर की नमाज का मतलब क्या है अख्तिस से है ये इसका मतलब यह है कि नमाज आ, कमी करना खसर का मतलब क्या है कमी करना अब कैसा कमी कर रहे चार रक़त है तो उसको दो रकत बना दे रही ये कमी है ठीक है तो अल्लाह ताला जो है सफर में हमारे लिए क्या गुंजाइश रखे हुए हैं कि जितनी भी रकातें चार की हैं उसको दो दो किया जाएगा और तीन और दो रक़ात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है और एक अख्तिसार ये है और एक एक, 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 एक कमी इसके अंदर यह है कि सिर्फ फर्ज पड़े जाएगी सुन्नत नहीं पड़ी जाएगी ठीक है और नफील के लिए जो है आपको इजाजत है जितनी चाहे नफील पढ़ सकते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है रु, ममानियत नहीं है और साथ में जो है वितर आ, की जो है आप सल्लाम की सुन्नत है कि आप सल असम सफर में भी वितर पढ़ते थे और हज़र में भी वितर पढ़ते थे यानी कि घर में भी और सफर में भी वितर पढ़ते थे तो क्या मतलब हुआ कि सफर में जो है और आप एक जो है हदीस में आता है कि आप सल अल्लाह वसलम जो है साहबा फरमाते हैं कि हम एक मरतबा आप सल्ला के साथ निकले और कोई पूरा अमन था कोई जंग नहीं थी कुछ भी नहीं था ना हम जो है हज और उम्र के सफर में थे फिर भी आप सलील सब ने खसर की तो इसका मतलब ये है कि जो है अगर आप सफर कर रहे चाहे कोई रीजन से रहो चाहे जंग रहो या अमन रहो उमरा रहो या हज रहो या आपका नॉर्मल कोई सफर रहो उसमें आपको नमाज में तकसीर करना है नमाज में जो है खसर करना है यानी कि नमाज को आधी करना है खसर का मतलब कमी करना अच्छा अब इसके अंदर देखिए कि ये अल्लाह ताला की सहूलत है और इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए फर्ज है ठीक है ये अल्लाह की सहूलत है और इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी और फर्ज है और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गुनाह है कोई अगर ये कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ज्यादा नेक और इबादत गुजार हूं मैं तो जो है पूरी नमाज पढ़ूंगा तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी है और वह गुनाह का जो है इरतक करने वाला रहेगा जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सतएंगे क्योंकि वो खुल्लाम खुला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं अब यहाँ पर यह जो है एक्चुअली जो है ज़ातलखा के टाइम पे जरी का ये आयत जो है बताया जाता है मुफसरीन के वो टाइम पे जो अल्लाह ताला ने ये खसर की आयत नाजिल फरमाई और नमाज को खसर करने का हुक्म दिया और साथ में नमाज खौफ का भी यहाँ पर जिक्र है और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि इनमें से एक ग्रोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और सुला ले रहे फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए और दूसरा ग्रो जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी जो चौकना रहे और अपना इस इसलाह लिए रहे अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये नमाज खौफ का इसके अंदर हुक्म है और इसका तरीका भी बताया गया है कि अगर तुम नमाज खौफ है तो नमाज खौफ का मतलब क्या है कि वो नमाज जो खौफ की हालत में पढ़ी जाती जो जंग की हालत में पढ़ी जाती तो उसमें क्या हुक्म है कि अगर नबी मौजूद है तो जो है पूरी जो यानी कि टोटल फौज मौजूद है उसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे हाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर नमाज पढ़ेगी और आप एक रकात उनको पढ़ाएंगे और आप फिर सजदे में रहेंगे तो वो जो है उठेगी और उठ के जो है अपने जो है सवारों पे सवारियों पे सवार हो जाएगी और बाकी की हाफ जो थे वो लोग आकर ज्वाइन होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फिर आप एक रकात पढ़ाएंगे और बाकी की एक एक रकात वो लोग अपने सवारियों पे जो है आ, सवार करते करते यानी कि ट्रैवल करते यानी कि घोड़ सवारी करते करते वो लोग वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत अल्लाह ताला दिए हैं ठीक है तो अब देखिए कि और फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर नमाज को भी आदि कर देने का है यानी कि चार के बदल दो पढ़ी जाएगी और साथ में जमात का इस तरीके से सिस्टम भी बताया गया है और इसके और भी जो है अलग अलग जो है तरीके हदीस के रोशनी से हमको मिलते हैं अब यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है समझने की कि अब इसमें हमारको नमाज की अहमियत समझ में आती कि अल्लाह तला जो है नमाज को या आ, इवन आ, जंग की हालत में भी माफ़ नहीं करे जंग की हालत में भी नमाज बाद पढ़ने का तरीका अल्लाह तला जो है यहां पर कुरान के अंदर बता रहे तो अब इससे हमको समझ में आता ना फिर अब देखिए कि क्या हमारे पास फिर कोई वैलिड रीजन है जिसमें हम नमाज छोड़ सकते और हम क्या समझते कि का मतलब क्या जंग को कहेंगे तो जो है कोई वैलिड हमारे पास रीजन है जैसा हम जो है सर में दर्द हो रहा है पैर दर्द हो रहे थक गए कॉलेज था स्कूल था हम जो है बाहर थे हम शॉपिंग में थे हम जो है ट्रैवलिंग में थे कोई रीजन एक्सेप्टेड नहीं है बाज वक़्त तो इतना कि बस घर में दावत है तो छोड़ दिए या फिर जो है कोई मेहमान आ गए तो छोड़ दिए बातें करते बैठे तो छोड़ दिए तो ये, या फिर जो है गेम्स खेल लेते या टीवी देखते बैठे तो छोड़ दिए तो इतने बेकार रीजन से, तो कि के दिन हम अल्लाह ताला को जब पूछेंगे अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल जो नमाज के बारे में होगा तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है नमाज जंग की हालत में भी आप अल्लाह ने माफ नहीं किया क्योंकि कुफार इस अच्छा यहाँ पर इसला जो जो वेपन लेकर नमाज पढ़ने का हुक्म है वो इस वजह से है तो अल्लाह ताला उसकी वजह बता रहे क्योंकि जो है कुफार रेडी है कि ताकि तुम जरा सामान से जो है गाफिल हो तो वो एक बार तुम्हारे ऊपर जो है हमला करने के लिए टूट पड़े अलबत् अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस कर रहे हो या बीमार हो तो इसलाह रख देने में कोई मुजायका नहीं है नमाज छोड़ देने में नहीं बल्कि वेपन को बाजू रखने में कोई मुजायका नहीं है मगर फिर बीचों करने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने काफिरों के लिए रस्वा कन अजाब मुहैया कर रखा है जब आ, फिर जब नमाज से फारि हो जाओ तो खड़े और लेटे और बैठे हर हाल में अल्लाह को याद रखो यानी कि नमाज से फारिग होने के बाद अब छुट्टी नहीं अब जैसा हम करते ना नमाज पढ़े फिर उसके बाद छुट्टी उसके बाद अल्लाह याद ही नहीं आता तो अल्लाह तला बोले चलते बैठते लेटते जिक्र करते हुए तुमको रहना है चाहे तुम पकाते रहो चाहे तुम कुछ भी काम करते रहो और जब इतमान नसीब हो जाए अब देखिए ये तो जंग का हुक्म है कि जंग के दौरान भी तलवार चलाते चलाते अल्लाह का जिक्र करते रहो और जब इतम में ना नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है इन ना किताब वन, वन और आयत है जिसके अंदर अल्लाह तला बोल रहे की बेशक मोमिनों पर नमाज उसके मुकर वक्त पर फिक्स्ड टाइम पर फ़र्ज़ की गई है ये नहीं कि ज़ुहर असर मग़रबीशा सब मिला के जो है रात में पढ़ लेंगे आराम से अब नहीं होता ना ज़रा आराम से जो है एक साथ पढ़ लेंगे तो ये जो है नहीं नमाज जैसा जो वक्त हुआ उसके वो वक्त पर आपको वो नमाज़ पढ़ने का है आप जो है अपनी सहूलत से अब नींद ने होशार हो सकती ज़रा मैं दस बजे उठ के फजर पढ़ लेती हूँ ज़रा मैं कॉलेज में थी तो मैं देर से पढ़ लेती हूँ ऐसा जो है हमारे लिए जायज़ नहीं है उसके मुक्रा वक्त पर वैसे ही वो फ़िक्स टाइम पर हमको नमाज़ पढ़ने का है और फिर जो है अगर, 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 अगर इस ग्रोह के ता, ताकुब में कमजोर अच्छा एक सेकेंड पाबंदी वक्त पर सात अह ईमान पर लाजिम किया गया है अगर आ, इस ग्रो के तकुब में कमजोरी ना दिखाओ अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं और तुम अल्लाह से उस चीज़ की उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं है यानी कि जो हिजरत नहीं कर रहे अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम और दाना है और ए नबी करीम सल हमने ये किताब हक़ के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह तला ने दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो किसके मुताबिक नबी फैसला करना है अल्लाह की उतारी हुई किताब के हिसाब से ही फैसला करना है तुम आ, लोगों की तरफ ज, आ, तरफ से झगड़ो झगड़ने वाले ना बनो यानी कि उनको सपोर्ट नहीं करो जो बदियानत है अगर और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है अब देखिए कि यहाँ पर जो है आ, ये आ, इसका मतलब यह है कि बदयानत की तरफ जो है तुम उनकी तरफ से झगड़ा मत करो यानी कि उनके सपोर्ट में बाज़ वक्त ऐसा होता कि जो बदियानत होता है गलत जो जो है इंसान होता है वो हमारा कोई रफीक होता है कोई हमारा भाई दोस्त हमारे रिश्तेदार या फिर जो है वो मुसलमान होता है तो बाज़ वक्त ऐसा होता कि मुसलमान है बल्कि हम उसको सपोर्ट करते हैं हालांकि मालूम है उन्हें गलत है तो अल्लाह ताली यहाँ पर उससे रोक रहे अब ये जो है एक बैकग्राउंड इसके ऊपर है एक्चुअली कि एक जो है मुनाफिक एक शख्स था जो जाहरी तौर पर ईमान तो ला लिया था पर ज़ाहरी तौर पर तो वो जो शख्स था उन्हें क्या करा एक अनसार के घर से जो है एक जराहा को चुरा लिया कुछ जो है रिवायतों में बोरिए का भी और एक एक, एक जो है वाक्य आता है कि जो है आटे का बोरिया था वो चुरा लिया आ, कुछ रिवायतों में जरा का बारे में आता है जो जंग में पहनते ना ड्रेस कोड वो वो तो जो है वो जिरा चुरा लेता है तो अब ये होता है कि उन्हें चुरा लेता और जब जैसा मालूम होता कि इसके बारे में तहकीक चल रही है और इसकी इंक्वायरी चल रही है और हर जगह जो है सर्च कर रहे तो उन्हें क्या करता फ़ौरी लेके जाके वो ज़रा को यहूद के जो है यहूद को दे देता और बोलता कि तुम ये रख लो अमानत के तौर पर मैं बाद में तुम्हारे से ले ले तुम बोल के उन्हें जो है वहाँ पर रख देता और ये समझता कि शायद लोग जो है यहूदी के घर पर नहीं जाएंगे और उन्हें जो है बाद में उसके पास से ले लेगा और दूसरे जो रिवायत मैं बता रही थी उसमें जो है वो आटे का जो बोरिया रहता उसको सुराख रहती और वो पू पूरा जो है वो आटा गिरते रहता और उसके जो है घर का ट्रेस जो है कर कर सकते थे तो उन्हें डर के क्या करता लेके जाके जो है यहूद के घर पे जो है रखा देता तो बहरहाल जो 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 दोनों भी जो भी केस हो हो रहा तो उसके बाद जब जो है फाइंड आउट करते तो यहूद के घर से जब वो मिलती चुराई हुई चीज तो अब फैसले के फैसला आप सल्लाम के जो है दरबार में लाया जाता तो ये जो ये जो मुनाफिक रहता उन्हें इतनी खसमे खा खा कर बोलता कि नहीं मेरा हैच नहीं ये मैं उसके पास रखा हैच नहीं बल्कि सब बात बोलता और उसके जो लोग रहते के, के उसके जो रिश्तेदार रहते वाले जो है, उसको सपोर्ट करते। और मुनाफिक के, पास जो है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहता बस बोलता बोल रहा और इन्हें लेकर ले आके रखा है मैं और उसके आगे कुछ भी नहीं बोल सकता था तो आप सल्लाम जब इतने गवाह सबूत और सब चीजें देखे तो पूरे यहूद के खिलाफ जा रहे थे और जो है मुसलमान ये जो मुनाफि था उसके खिलाफ नहीं जा रहे थे तो आप सल्लाह जो है ऐसा गलत है फैसला करने वाले रहते कि अल्लाह ताला जो है फौरी जो है ये आयत नाजिल फ़रमा दिए और बोल ताला बोल रहे कि उस बदयानत के जो है मामले में जो है तुम फैसला ना करो और अल्लाह ताला से जो तुम्हारे से गलती होने वाली थी उसकी जो है तौबा और इस्तार करो तो अब इससे भी मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है गैब इल्म नहीं था कि क्या चीज़ हो गया किसके दिल में क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे तो अब यहाँ पर देखिए कि उस वो जो है जब झूठे बातें बोला तो अब ये ये आयत में अल्लाह ताला दोनों चीज़ें बता रहे एक तो ये कि जो है अच्छे तहकीक करके फैसला करो और दूसरा कि कोई भी अगर रिश्तेदार है तो तुम उसको जो है गलत सपोर्ट नहीं करने का है तो तमाम मुसलमानों के लिए भी जो है ये बहुत बड़ी जो है तंभी और जो है है और एक एग्जाम्पल था तो अल्लाह तला बोल रहे कि अगर गलती से हो गया तो अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है जो लोग अपने नफ़ से खयानत करते हैं और तुम उनकी जो है हिमायत तो उनकी तुम हिमायत ना करो अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो ख्यान कार और मासीत पर पेशा हो ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं इनके सारे आमाल पर अल्लाह मुहित है हाँ तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो झगड़ा कर लिया यानी कि जो सपोर्ट कर रहे थे दूसरे लोग उनके लिए तम भी है तो क्यामत के रोज इनकी तरफ से कौन झगड़ा करेगा यानी की क्यामत के दिन तुम्हारा को ये जो गुना मिला तुम्हारे को कौन फिर उस दिन आके सपोर्ट करने वाला है आखिर वहां कौन इनका वकील होगा और वो शख्स जिसको सपोर्ट करे उनको भी में कोई नहीं बचा सकता अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म करे कर जाए और इसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएंगे अब देखिए कि ये सिमिलर टाइप की जो आयत है आपको हर जगह मिलेगी आपको पूरे कुरान के अंदर मिलेगी अल्लाह पहले एक जो है गुना का गलती का जो है जिक्र करते हैं उसके बाद अल्लाह फिर तोबा का दरवाजा बंद नहीं कर देते का दरवाजा

को सपोर्ट करते हैं ये हालांकि मालूम रहता कि मेरी बेटी की गलती है कि मेरे बेटी जो है शोहर का हक सही अदा नहीं कर रही फिर भी बेटी को सपोर्ट करती है या बेटे को जो है सपोर्ट करती है माँ और ये उसको मालूम है कि जो है बेटा उसके ऊपर ज्यादती कर रहा तो ये हमको जो है नहीं करने का है तो यहाँ पर जो है अल्लाह तला बोल रहे कि तुम ये काम नहीं करो क्योंकि क्यामत में ना तुम उनको बचा सकते ना तुम अपने आप को बचा सकते ये गुनाह करने के बाद और फिर तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ताला रखे कि अगर ये कर लिए तो तौबा करो अब इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है जब गुनाह करता है और उसको एहसास हो जाता है और वो अच्छे से वजू करता है और दो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से तौबा की जो है दरख्वास्त करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं और उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंसान को जो है एक ऑप्शन अल्लाह यानी कि इंसान को मौका दे रहे हैं मगर जो बुराई कमा ले तो इसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी अल्लाह अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो हकीम और दाना है फिर जिसने कोई ख़ता या गुनाह करके इसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर लगा दिया यानी कि वो मुनाफ़ की तरफ इशारा है और बेगुनाह का मतलब यहूद की तरफ इशारा है अब देखिए कि इससे क्या समझ में आता कि इस्लाम जो है इंसाफ पसंद दीन है यहाँ इसमें कोई दीन और मजहब नहीं देखा जाता मुसलमान है या फिर है यहूद है या नसारा है नहीं देखा जाता बल्कि जो बेगुना है चाहे वो किसी मजहब से बिलोंग करने वाला रहो उसके उसकी जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा इस्लाम की तरफ से तो किसी बेगुना पर थोप दिया जाए या उसने तो बड़े बहुतान और सरी गुना का बार अपने ऊपर समेट लिया ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता यानी कि वही करके अल्लाह ताला ने इन्फॉर्म कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और इसकी रहमत तुम्हारे साथ शामिल हाल ना होती तो इनमें से एक ग्रोह ने तो तुम्हें गलत फहमी में मुबिला करने का फैसला कर लिया था यानी कि एक ग्रुप आके जो खसमे खा खा कर जो बात बता रहे हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुबतला नहीं कर रहे थे थे तो अब इससे ये भी समझ में आता कि हम जो है या सामने वाले की जब कोई बात सुन रहे तो सिर्फ सामने वाले की एक तरफ का बात सुन के जो है फैसला ना करें या फिर सिर्फ ज़ाहरी बात सुनकर फैसला ना करें बल्कि तहकीक कर कर फैसला करें क्योंकि बाज लोगों को जो है बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने आती हैं और अपनी बातों में जो है ऐसा जो है गोल फिरा देते कि हमारे को ऐसा ही लगने लगता कि इनुच सही है और सामने वाला जो है दूसरा जो है इंसान गलत है दूसरा फरी गलत है तो हमको चाहिए कि थोड़ा सा जो है उसमें तहकीक और एक तरफा बात ना सुने और तुम्हारा कोई नुकसान वो ना कर सकते थे अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुम वो कुछ तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम ना था और इसका फजल तुम पर बहुत है यानी कि अल्लाह का लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती है यानी कि काना फुसी खुस -खुस करने में कोई भी भलाई नहीं होती है हाँ अगर कोई पोशीदा तौर पर सदक व खैरात की तलखीन करे या किसी नेक काम के लिए लोगों के मामला में इसलाह करने के लिए किसी से कुछ कहे तो अलबत्त भली बात है यानी कि सीक्रेट टॉक्स सिर्फ कब जायज है दो उसमें जायज़ है एक असलाह के लिए दूसरा सदक़े के लिए यानी कि अब सबके सामने जो है सदक़ा करेंगे तो एरिया का भी डर हो सकता है या दूसरा जो है वो सामने वाले की

व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं तो उसमें अगर हम किसी की जो है कोई गलती देखें कोई गलत जो है कोई बात कर दिया कोई पोस्ट कर दिया या कोई गलत उसका अमल है तो हम उसको जो है पूरे ग्रुप में सबके सामने इसलाह करने के बदल आहिस्त से जो है उसकी इसलाह करें और इसके अलावा भी जैसा किसी के चेहरे पर कुछ लगा हुआ है या फिर जो है किसी के कपड़ों पर कुछ लगा हुआ है तो आहिस्त से बोल दें तो और जो कोई अल्लाह की रजा जोई के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे मगर जो शख्स रसूल की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो और अहल ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले और दर हालांकि इस पर राह रास्त वाजे हो चुकी हो तो उसको हम उसी तरह तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया यानी कि जो गलत करना चाह रहा तो उसको गलती पर ही जो है अल्लाह ताला छोड़ देंगे जबरदस्ती हिदायत नहीं देंगे और उसे जहन्नुम में झोंक देंगे और वह बदतरीन करार है अल्लाह के यहाँ बस शिर ही को माफ नहीं किया जाएगा अब ये आयत नंबर फोर्टी नाइन में हम लोग देखे थे सेम वैसी आयत अब यहाँ पर आयत नंबर सिक्सटीन में वैसी सिमिलर आयत

एक तो जो है देवियों को और दूसरा शैतान को माबूद बनाते हैं यानी कि उसकी बात सुन के उसकी इताद करके जो है उसको माबूद बनाते हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको जो है शिरक से जो है बचाए जो हम जानते हैं और जो भी का अन भी का आलम। लिमाल आलम के अल्लाह ताला हम जानते हैं और अनजाने में जो शिरक है उससे हमारी जो है हिफाजत फरमा और उससे माफ कर दे जिसको अल्लाह ने जिस पर अल्लाह तला ने लानत फरमाए कि शैतान पर वो उस शैतान की इताद कर रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों से एक मुक्रा हिस्सा लेकर रहूंगा क्या बोला शैतान चैलेंज करके क्या आया कि मैं उनकी इबादतों में एक हिस्सा लेकर रहूंगा या तो उनका ध्यान भटकाऊंगा या उनको रियाकारी में यानी कि अब देखिए सदके में कैसा उन्हें हिस्सा लेंगा सदा तो कर दिए बाद में जो है रियाकारी के इन हम जो है इता दिए हम उनको दिए वो उससे जो है पूरा शैतान के हिस्से में चला जाता आपके नेकी नेकियों के अमल में कोई चीज नहीं आती तो एक मुकर्रा हिस्सा लेकर रहूंगा मैं उन्हें बहकाऊंगा मैं उन्हें आरजुओं में उलझाऊंगा मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों का कान फाड़ेंगे यानी कि ये जहालत का एक तरीका था और मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से खुदा खुदाई साख्त में रद्दो बदल करेंगे अब यहाँ पर जो है क्या है एक जो है शैतान का हुक्म में क्या कि रहा खुदाई साख्त में रद्द बदल करेंगे यानी कि अल्लाह ताला ने जो चीज जैसी बनाई है उसमें जो है तब्दीली करेंगे अब देखिए कि एक तो चीज़ अल्लाह ताला कैसा बनाए शोहर और बीवी का रखे और शोहर को ख़वाम बनाए ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है इसमें रद्दोबदल हमको नहीं करना है दूसरा साख्त का मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी जो तकलीफ है यानी कि हमारा जिसम है तो इसके अंदर जो है अल्लाह तला जैसी बनाए हम कबूल कर लेना है तो अब इसमें जो है मुफसरीन ये भी बताते हैं कि जो हम भवें निकालते हैं तराशते हैं अपने जो है आंखों के ऊपर की जो ब्रोज हम जो है बनाते हैं आई तो उसके उसको जो है तराशना भी जो है इसी हुक्म में आएगा कि अल्लाह की साख्त में रद्दबदल करना और फिर उसके अलावा भी जो है हाँ अगर कोई इंसान जैसा जो है दाढ़ लगा ले रहा या जो है डेंटिस्ट का कोई इलाज कर रहा और वो उसकी बीमारी में आ रहा और वो जरूरी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है पर एक्स्ट्रा अल्लाह ताला के साख्त में जो है तब रद्दबदल हमको नहीं करना है और ये शैतान के हुक्मों में से है इस शैतान को जिसने अल्लाह के बजाय अपना वली और सरपरस बना लिया वो सरी नुकसान में पड़ गया वो उन लोगों से वादा करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है यानी कि शैतान का, का काम क्या है लोगों से गलत वादे करता है और गलत उम्मीदें दिलाता है ये शैतान के हथकंडे है अब देखिए क्या उम्मीदें हैं कलमा पढ़ लो जन्नत ठीक है उम्मत मोहम्मद या जन्नत फर्ज कर लो काफी है जरूरत नहीं है सुन्नतों की जरूरत नहीं है नवाफिल की और फिर जो है कोई को, को हाफिज बना दो सौ पूरे सात पुश्ता जन्नत में चले जाते या फिर क्या बोलते अल्लाह तला बड़ा रहमान है भाई माफ कर देता इतने क्या छोटे छोटे बातों पर क्या अल्लाह पकड़ेंगे तो ऐसी उम्मीदें पूरे जो है शैतान की तरफ से होती हैं मगर शैतान के सारे वादे बजूस फरेब के और कुछ नहीं है यानी कि सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नहीं है उन लोगों का ठिकाना जहनुम है जिससे खुलासी की कोई सूरत ये ना पाएंगे रहे वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें तो उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे तो जो ईमान लेकर आए और अच्छे अमल करें उनके लिए ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा अंजाम कार ना तुम्हारे आरजुओं पर मौखुफ़ है ना अहले किताब के आरजुओं पर मौखुफ है अब अल्लाह तला यहाँ पर क्लियर बता दिए अहले किताब की भी क्या थी आरजुआ कि हम सबसे अल्लाह तला के चहीते बंदे हमारे अल्लाह तला जहनु में तो अल्लाह कि किसकी भी आरजुओं की बिना पर में फैसले नहीं होने वाले हैं। जो भी रहो चाहे अहले किताब से रहो या अहले उम्मत मोहम्मदी से रहो जो भी बुराई करेगा इसका फल वो पाकर रहेगा अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हामी और मददगार ना पा सकेगा और जो नेक अमल करेगा ख्वा मर्द हो या औरत यानी कि दोनों इक्वल हैं, अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे जो नेक अमल करेगा ख्वा मर्द हो या औरत बशर्त ये कि वो मोमिन हो तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे इनके इनकी जरा बराबर हक तलफी ना की जाएगी उस शख्स से बेहतर किसका तरीका जिंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम हम कर दिया कौन थे ये कौन है ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जिसने अपना जो है अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पूरे के पूरा सरेंडर कर दिया और अपना रवैया नेक रखा और एक सू होकर इब्राहिम आसलम के तरीके की पैरवी की यानी कि मोहम्मद सल्लास जो है अपने आप को कम्पलीटली सरेंडर कर दिए थे और किसकी पैरवी करे थे इब्राहिम आसलाम जो हमारे जद्द अमजद है और उनकी जो है आप सल्लाम ने भी पैरवी की तो हमारे लिए दो आइडियल है एक इब्राहिम की जिंदगी में जो है हमारे लिए नमूना है और आप की भी जो है पूरी हमारे लिए जो है, मिसाल है तो हमको जिंदगी गुजारना है उस इब्राहिम के की जिसे ने अपना दोस्त बना लिया क्या है मोहब्बत खलील भी करते हैं और दोस्ती दोस्ती के जो है मनसब पर अल्लाह तुंचा दिए अब डेफिने आप, आप, आप इमेज करिए दोस्त, दोस्त बनाते हैं तो अल्लाह को इनके क्वालिटी अल्लाह तला ने उनको दोस्त बना लिया तो अगर हम भी उनकी इतात करेंगे उनकी फर्मा बरदारी करेंगे उनके जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हम भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों में रहेंगे आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज पर मुहित है लोग तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं कहो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला तुम्हें उनके मामले में फ़तवा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो तुम जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं यानी कि सुर बकरा में ऑलरेडी नाजिल हो गया है सुर नशा में ये पहले जो सूरतों में नाजिल हो गया यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के मुताल हैं जिनके हक़ तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज़ रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो तो अल्लाह पर जो है उन यतीम लड़कियों की जो है हिफाजत के लिए अल्लाह तेकाम नाजिल फरमाए कि तुम ऐसा नहीं करना है कि अक्सर क्या होता था कि अब यतीम जो लड़कियां होती थी तो उनसे क्या करते थे खुद निकाह कर लेते ताकि उनका जो माल है खुद हड़प करके बैठ जाए तो उनकी जो यानी कि उन्होंने इनहेरिट करे अपने फादर से तो उसको जो है खुद ले लेने के लिए जो है वो यतीम लड़कियों से खुद निका करते थे या उनका निकाह करके दूसरों को नहीं देते थे ताकि जो है क्योंकि निकाह करके दे देंगे तो बच्ची के साथ जो है उनका माल और दौलत भी चाहिए ले जाता तो लिहाजा ऐसा जो है जुल्म करते थे तो अल्लाह बोले अल्लाह इससे रोक भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपा हुआ नहीं रहेगा जब किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई मुजायका नहीं है कि अगर मिया और बीवी Коч хохух. की आ, कमी पेशी पर आपस में सुलह कर लें तो अब यहाँ पर जो है जब देख रहे हैं कि कोई बेरुखी है और कोई जो है इस तरीके से खतरा है तो यहाँ पर कुछ जो है इसमें क्या करना है सुलह कर लेने का है और सुलह बहरहाल बेहतर है तो अब यहाँ पर क्या है क्या बता रहे सुलह बहरहाल बेहतर है बोल रहे अल्लाह तला किस से बेहतर है तलाक से बेहतर है अल्लाह तला बोल रहे कि देखो तुम तलाक पे जो है तलाकी जो है फाइनल जो है सोल्यूशन नहीं है बल्कि सुलह कर लो ना कि तुम ये ये करो कि निकाह में रहो और तुम जो है अपने हिसाब से जियो उनको अपने हिसाब से जीने दो ठीक है तो कुछ भी जो है इस तरीके से दोनों भी जो है एक दूसरे की कमी बेची पर ठीक है तुम ये नहीं करेंगे तो मेरे लिए ओके है मैं ये नहीं करी तो फिर तुम भी जो है मेरे को सवाल नहीं करना ऐसे टाइप की जो है कोई कंडीशन पर दोनों एक दूसरे पर जो है सुलह कर ले सकते ये बेहतर है तलाक से और ये उन खास तौर पर उन औरतों के लिए उन आदमियों के लिए है जिसकी जो है बहुत सी औलाद भी होती है साथ में औलाद हो जाने के बाद जो है उन उसका असर औलाद पर हो सकता तो सुलह अल्लाह तला करने का हुक्म दे रही है यह बहुत बुढ़ापे की एज हो गई भी है और ये एज में आप जो है तलाक के साथ कहां जीगे बल्कि बेहतर है कि सुला करके जो है साथ ही रहो पर क्या है अपने अपने जो है हुकूक से एक दूसरे से दसबरदारी कर लो नफ्स तंग दिली की तरफ जल्दी मायल हो जाते हैं लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज अमल से बेखबर ना होगा तो अब यहाँ पर अल्लाह तला जो है फिर आसानियां करेंगे तो अब इसके अंदर क्या है कि इसमें ये बताया जा रहा है आयत में कि तलाक जो है सल्यूशन नहीं है आप सुलह करीजिए कॉम्प्रोमाइज करीजिए अपने को कम कर लीजिए और कुछ ना कुछ करके जो है रिश्ते को बेहतर बह, करने की कोशिश करिए तो ये ज्यादा जो है 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 बेहतर और उसमें क्या है सबसे बेहतरीन चीज जो अगर हम औरतें अपने साथ जो है पकड़ ले तो वो ये है कि सबसे पहले सॉरी बोलने वाले हम बन जाए यानी कि जो है इसके अंदर पीछे ना रहे और ये एक वर्ड जो है इंसान के अंदर जो है सुलह करवा देता है बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है तुम चाहो भी तो उन, उन पर खा, खादिर नहीं हो सकते लिहाजा खानों ने इलाही का मंशा पूरा करने के लिए ये के लिए ये काफी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी बीवी को अधर लट लटकता हुआ छोड़ दो अब इसमें और एक एक बात अहकाम बताया जा रहा है औरतों के मुताले कि जो है जैसा तीन बीवियां हैं चार बीवियां हैं जो मैक्सिमम है या दो है तो उसके दरमियान जो है मोहब्बत में इक्वालिटी करना जो है मुश्किल है जैसा आप देखे कि इवन अगर हम औलाद में भी देखेंगे तो हालांकि पूरी औलाद हमारी रहती पर पूरी औलाद को बराबर जो है मोहब्बत नहीं कर सकते कहीं ना कहीं एक औलाद की तरफ थोड़ा झुकावा रहता हालांकि हम मैक्सिमम इंसाफ करने की कोशिश करते हैं तो अब यहाँ पर इंसाफ से मुराद क्या है देखिए इंसाफ से मुराद ये है, हम जो है, जाहरी से, है बराबरी नहीं हो सकती पर उसके लिए भी आपको जाहिर नहीं करना है खुल खुल के जो है जाहिर नहीं करना है कि हाँ भाई मैं एक बच्चे को बहुत मोहब्बत करती हूँ उसी तरीके से बीवियों का भी हुक्म है कि जो है दिल में जो है एक की मोहब्बत ज्यादा हो सकती है पर तुम्हार को पूरा करने का है ऐसा नहीं करना की एक बीवी की तरफ इतना झुक है, 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 है तो ऐसा करने पर जो है अल्लाह तुमको उसके ऊपर बोझ डाल रहे तो इसके बारे में जो है वाक उस्ताद से मैंने सुना था कि क्या एक जो शख्स थे उन्होंने जब किसी को यानी कि अपनी बीवियों के पास जब लाते थे तो दो तरबूज लाते थे या जो भी फ्रूट है तो उसको हाफ हाफ करके देते दे थे तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों इस तरीके से करते तो उन्होंने बोले कि अगर एक खट्टा और एक मीठा है 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 या फीका है, तो किस तरीके से जो है मैं इंसाफ करूंगा तो इतना जो है उन्होंने ख्याल करते थे तो ऐसा जो है हमको करने का है अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह तशम पोशी करने वाला और रहम करने वाला है लेकिन अगर जोजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाए तो अल्लाह अपनी वसी कुत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा यानी कि फाइनल डिसाइड कर लिए तलाक का तो फिर तुम जो है इसमें आगे बढ़ो एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए साथ मत रहो बल्कि अलग हो जाओ पर उसके बाद अल्लाह ताला जो है दोनों के लिए आ, इन ऐसा रास्ता निकालेगा कि दोनों को एक दूसरे से बेनियास कर देगा अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना और बीना है आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही हिदायत की थी कि अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं अल्लाह तला पहले के भी यही हिदायत करे अभी भी यही हिदायत करे कि खुदा से डरते हुए काम करो क्या है कि खुदा से डरते हुए काम करेंगे तो जिंदगी के सारे मामला सेटराइट रहते लेकिन अगर तुम तुम नहीं मानते तो ना मानो आसमान और जमीन की सारी चीजों का मालिक अल्लाह ही है और वो बेनियाज है हर तारीफ का मुस्तह हाँ अल्लाह ही मालिक है इन सब चीज़ों का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है देखिए कि बार बार तकरार की जा रही है कि पूरी कायनात का, 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 का सल्तनत पूरी सल्तनत किसकी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है तो क्या हम ऐसे र, जो स, आ, मालिक है तो उसके सामने क्या हम जो है नहीं झुकेंगे उसके सामने क्या हम अपने मसलों को नहीं रखेंगे अब देखिए कि यहाँ पर घरेलू मसाइल का जिक्र है उसके बाद अल्लाह तला ये सल्तनत की अपनी जो है बादशाह अपनी मल्कित की अल्लाह तला बात कर रहे तो अब हम जो है अल्लाह ताला के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे घर में कोई जो है घरेलू मसाइल है तो हम अल्लाह के सामने जो है झुक कर अल्लाह ताला से दुआ करें ये जो है तमाम मामलों में अल्लाह ताला से आसानियों की जो है मदद मांगे तो अल्लाह ताला हमारे जो है आसानियाँ कर देगा और लोगों के दिलों में जो है मोहब्बतें उल्फतें डाल देगा और अल्लाह ताला का आ, और कारसाज़ी के लिए बस वही काफ़ी है अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है यानी कि अगर हम अल्लाह की जो है ये बादशाह को नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला, ताला दूसरी कौम को ले आएगा जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालब हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखिरत भी है और अल्लाह ताला वसी और बसीर है समी और बसीर है ए लोगों जो ईमान लाए हो इंसाफ के अलंबरदार और खुदा के वास्ते गवाह बनो अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही के जद में खुद तुम्हारी अपनी जात पर या तुम्हारे वालदे और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़े अब ये बात हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं कि हम जो है इंसाफ के अलमवरदार बना है इंसाफ को कायम करने वाले बनना है क्या इंसाफ के अलमवरदार का मतलब क्या है इंसाफ को कायम करने वाले बनना है तो चाहे उसमें हमारे ही खिलाफ क्यों ना जो है वर्डिक्ट हो या हमारे पेरेंट्स के खिलाफ फरीक तो मामले अख्वा मालदार हो या गरीब हो यानी कि मालदार हो या गरीब हो अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर ख्वा है लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना आओ बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई गरीब है और कोई मालदार है तो हम गरीब का सपोर्ट करते अरे कुछ तो भी मिल गया तो अच्छा है उसको बोल के अल्लाह तला बोल अल्लाह ज्यादा खैर ख्वा है लिहाजा तुम्हारा काम क्या है बस अदल से काम करो और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाबर है ए लोगो जो ईमान लाए हो ईमान लाओ अब यहाँ पर ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट आयत है या योह लदीना आमनो आमिनो ए लोगो जो ईमान लाए हो ईमान लाओ ईमान लाए फिर ईमान लाना और मुखातिब किसे ईमान वालों से जो मुखातिब है और ईमान लाओ बल्कि बोल रहे यानी कि अल्लाह ताला इसका मतलब यह है कि तुमने जो लाशूरी तौर पे जो ईमान ला लिया ना विरासत में जो है मुसलमान बन गए और फिर जो है दिल से जो है सही से ईमान तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हुआ तो ऐसा ईमान कबूल नहीं है अल्लाह तला बोल रहे दिल से ईमान लाओ यानी कि अब तक ईमान लेकर आए आयत नंबर वन में अल्लाह तला बता रहे कि अयोल्दीना आमनो आम ईमान लेकर आओ तो हमारे को चाहिए कि हम दिल से ईमान लेकर आए बान से नहीं बल्कि दिल से उसको समझते हुए सच्चे दिल से और फिर क्या करें अमल से साबित करें हमारा ईमान कैसा साबित होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे अमल से साबित होगा तो अल्लाह बोले ईमान लाए बोल दिए जबान से बोल दिए अब अमल करके बताओ इसका मतलब यह भी होता है एक मतलब क्या है सच्चे दिल से ईमान लाओ दूसरा मतलब यह है कि अब प्रूव योर सेल्फ बाई योर दी, अमल आप जो है साबित करें इसके रसूल पर और इसकी किताब पर जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल की है और हर उस किताब पर जो उससे पहले नाजिल कर चुका है जिसने अल्लाह और उसके रज, उसके मलाइका और उनकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत का कुफ्र किया वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र कर किया फिर ईमान लेकर आए फिर कुफ्र किया फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए यानी कि कभी ईमान कभी कुफ्र कभी ईमान तो उसी में बढ़ते चले गए तो अल्लाह ताली हरगिज़ उनको माफ़ ना करेगा और न कभी उन को राह रास दिखाएगा यानी कि खेल नहीं है ये और जो मुनाफिक मुनाफे ईमान को छोड़कर का अपना दोस्त बनाते हैं उन्हें अजाब का मुजदा सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्या ये लोग इज्जत के तलब में, तलब में उनके पास जाते हैं हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है यानी कि काफी का सपोर्ट करे क्या की दुनिया की थोड़ी इज्जत मिल जाए पोजिशन मिल जाए तो आज उन्होंने पावर में तो उनको सपोर्ट कर लो तो अल्लाह तला बोल रहे की अल्लाह इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह की है अल्लाह इसकी किताब में तुम पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफ्र बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है तो वहां ना बैठो यानी कि जो अब देखिए कि इस इसमें क्या समझ में आता है इवन वैसे वीडियोस और जो है वीडियोस और पोस्ट हमको नहीं देखना है जहाँ पर जो है कुरान को जो है बेहरमती की जा रही है अल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा दीन का मजाक उड़ाया ऐसी चीज़ें ना सुनना है और वैसी महफिलों में बैठना नहीं उठ के चले जाना है जब तक के लोग दूसरी बात में ना लग जाए अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो अगर सुनेंगे तो तुम भी उनके बराबर है यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को में एक जगह जमा करेगा ये मुनाफिक तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है हम तुम्हारे साथ थे अगर काफिरों का पल्ला बाहरी रहा तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे खिलाफ उन, उन पर जो है लड़ने पर काबू न थे फिर भी हमने तुम मुसलमानों से तुम्हें मुसलमानों से बचाया बस बस अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामले का फैसला क़्यामत के रोज़ करेगा और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हर गिस कोई सबील नहीं रखी है ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जरा गौर से सुनिए आयत नंबर 142 फोटी टू ये मुनाफिक अल्लाह तला से क्या कर रहे हैं धोखाबाजी कर रहे हैं हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने उन्हें धोखे में डाल रखा है अब उनकी सिफत क्या है जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए उठते हैं क्या मतलब यानी कि काहली के साथ और फिर जो है ना चाहते हुए बेजारगी के साथ अबा फिर रजा हुई अब बिच पढ़ के बैठे थे ना फिर हो गई रजा अब फिर पढ़ना है नमाज तो ऐसी मुसीबत से सर पे जो है मुसीबत की चट्टी पड़ गई जैसा बार के तौर पर जो है उठ उठ कर जो है जब नमाज पढ़ते हैं तो ये किसकी सिफत है ये अल्लाह तला बोले कि ये मुनाफिक की सिफत है ये मोमिन की सिफतें हैं मोमिन का तो दिल क्या है नमाजों में अटका होता है जैसा आप सल

की शक्ल नहीं देख सक रहे तो अब यहाँ पर आ, हम कैसा तड़प रहे ना उनको देखने उनसे मिलने और फिर सोचे कि जब हम मिलेंगे तो कितनी हमको खुशी होगी तो क्या हमको अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से खुशी नहीं होती है तो हम जो है मुसीबत से जो है जा रहे तो फिर ये क्या है मुनाफिक की सिफत है मोमिन की सिफत नहीं है मुनाफिक तो इंतजार में रहता है और महज दूसरी सिफत क्या है मुनाफिक की लोगों को दिखाने के लिए खातिर जो है वो नमाज पढ़ता है एक तो सुस्ती से दूसरा दिखा के लिए रियाकारी से अरे अगर अब मैं नहीं पढ़ा तो लोग बोलेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए और तीसरा जब वो नमाज में खड़ा होता है अब सब दिखाने के लिए मुसीबत से खड़ा हो रहा दिखाने के लिए खड़ा हो रहा पर नमाज में खड़ा होने के बाद क्या है अब उसका दिमाग नमाज के अंदर बिल्कुल नहीं है खुदा को कम ही उसके अंदर याद करता है यानी कि जब हम अब यहाँ पर इससे क्या समझ में आता है कि जब हम नमाज में खड़े हों तो खुदा की याद उसके अंदर होनी चाहिए हमको लगे कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं हमको लगे कि हम अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं अल्लाह के सामने जो है खड़े होने का एहसास हमको जो है होना चाहिए और खुदा की याद उसके अंदर होनी चाहिए नमाज को समझ कर पढ़े जैसा हम कल भी देखे थे ना कि नमाज को जो है हमको समझ कर पढ़ने का है तो ये जो है अल्लाह ये क्या है मोमिन की सिफत है तो अब इसके अंदर देखिए कि हदीस में आता है कि आप सल असलम ने फरमाया कि मोमिन के लिए ईशा और फजर की नमाज बहुत सॉरी मुनाफिक के लिए ईशा और फजर की बहुत भारी है मुसीबत से फजर और ईशान के लिए जो है घसीटते हुए अपने आप को जो है वो आता है और ईमान और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है नमाज है और सबसे अव्वल वक्त पढ़े जाने वाली नमाज अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया है कि सबसे अफजल अमल क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को उसके अव्वल वक्त पे अदा करना ये सबसे पसंदीदा अमल है तो ये मुनाफिक और मोमिन के दरमियान फ़र्क है मोमिन खुशी से जाता है मुनाफिक जो है सुस्ती से और दिखाने के लिए और जब जाता भी है तो अल्लाह को याद नहीं करता कुफ्र और ईमान के दरमियान डोल है ना पूरा इधर है ना पूरा उधर है जिसे अल्लाह ने भटका दिया उस उसको कोई ए, उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पाओगे ऐ लोगो जो ईमान लाए हो मोमिनों को छोड़कर काफिरों का अपना दोस्त ना बनाओ क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हजत दे दो यकीन जानो कि मुनाफे जहनुम के सबसे निचले गड़े में हैं अब देखिए कि यहाँ पर मुनाफिन की जो तमाम सिफत हमने अब तक पढ़ी है क्या झूठ बोलते हैं झूठी गवाहियाँ देते हैं नमाज को देर से आते हैं कुरान के अंदर गौर और फिक्र नहीं करते जिहाद और अमल से जो है अपने ईमान को साबित नहीं करते दूसरों पर जो है झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं तो ये तमाम जो है दीन से पीछे रहने वालों में से रहते आगे नहीं बढ़ते दीन के लिए तो ऐसे लोगों के लिए क्या है जहन्नम का सबसे निचला गढ़ा है जहाँ से आग शुरू होगी सबसे ज्यादा शदीद अजाब उनको दिया जाएगा और तो, यानी कि मुशरक को भी नहीं बल्कि मुनाफिक को तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे अलबत्त जो उनमें से तायब हो जाए यानी कि तौबा कर कर आए और अपने इस मल की असलाह कर लें तो अल्लाह का दामन और और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस् कर दें ऐसे लोग मोमिन मोमिनों मुमिन, के साथ हैं और अल्लाह मोमिनों को जरूर अजर अजीम अदा करेगा यानी कि तोबा का दामन फिर खुला रखे अल्लाह तोबा का दरवाजा फिर से अल्लाह तला ने खुला रखे और बोले कि कर कर आएंगे तो फिर अजर अजीम है आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि कि तुम्हें खौँ मा खौँ सजा दे यानी अल्लाह को क्या पड़ी क्यों अल्लाह तला जबरदस्ती लोगों को पकड़ कर सजा देगा अल्लाह तो मोहब्बत करने वाला है अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह तो बार बार जो है आए नाजिल फरमा के जो है हमारे लिए हिदायत की रस्ते को जो है हमवार करे और अल्लाह तला रहे कि सुधर जा और सीधे रास्ते पर जो है चलो तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि अल्लाह ताला को क्या है कि खाम खा तुम्हें सजा दे अगर तुम शुक्र गुजार बंदे बनोगे और ईमान की रविश पर चलोगे देखिए ईमान से पहले शुक्र का जो है जिक्र है तो शुक्र गुजार यानी कि अल्लाह ताला के जो है चीज़ों की खदरदानी करना और ईमान की रविश पर चलोगे अल्लाह बड़ा खदरदान है और सब के हाल से वाकिफ है तो यहाँ पर रुकू पे अपन ख़त्म करेंगे तो ये एक दो आयत पढ़ लेंगे अल्लाह को पसंद नहीं है या नहीं अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बद गोई पर जबान खोले अल्लाह कि किसी पर जुल्म किया किया गया हो और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है और मजलूम होने की सूरत में अगरचे तुम बदगोई का हक है लेकिन अगर तुम तुम जाहिर और बातिन में भलाई किए जाओ या कम अज कम बुराई से दरगुजर तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला वाला है हालांकि सजा देने पर वो पूरी कुदरत रखता है अच्छा अपन यहाँ पर ही एंड करेंगे क्योंकि ये आयत बहुत ज़्यादा अहम है थोड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आयत नंबर 148 और 149 तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सिक्स पारा स्टार्ट होता है अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ही बिन अड़मत ही मालाहात तो अल्लाह ताला यहाँ पर अपन एंड करेंगे अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ती इन तमाम बातों पर अमल की तोफ़ी अता फ़रमा दे और अल्लाह ताली हमको तोफ़ी अता फरमा दे कि हम जो है तमाम मोमिनों की सिफ़ात अपने अंदर जो है शामिल करने वाले बन जाएँ और हमारे ईमान को पुख्ता करें हम अपने ईमान को अमल से साबित करें हम ईमान तो ला चुके हैं अपनी ज़बानों से हमको अल्लाह ताला तोफ़ी ख़ता फ़रमा दे कि हम दिल से ईमान लाएं और अपने अमल से उसको साबित करें और तमाम मुनाफिकीन की जो औसाफ यहाँ पर बताई गई हैं वो तमाम औसाफ़ से अल्लाह तला हमारी हिफाजत फरमाएं हमारा दिल जो है अल्लाह तमाज़ों में हम हम जो है खूब कसरत से अल्लाह को याद करने वाले बने अखलास के साथ अल्लाह तला की जो है इबादतें करने वाले बन जाएं और अल्लाह ते तमाम जो हक़ की गवाही के बर्दार जो बनने का अल्लाह तुक्म दिया है वो अलम हम बन जाएं और हक़ और इंसाफ को चाहे वो हमारे खिलाफ और हमारे अहल व्याल के खिलाफ ही क्यों ना हो अल्लाह तमाम जो अहमत इसके अंदर नाजिल आ, अमल की तोफ़ी फरमा दे और शिर जो सबसे बड़ा जो है गुनाए अज़ीम है और जुल्मा अज़ीम है ताला उससे हमारी हिफाजत फरमाएं आमिन शुमाम वाकिल दावाना रबीन सुबहाना रबी का रब्ज़त वसला रबीन तो अनाउंसमेंट ये एक है कि फ्राइडे से हमारे टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे और ढाई बजे से इनशाला टाइमिंग्स रहेंगे